हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल द आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन और सूजी के बहुत ही टेस्टी और यमी लड्डू। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम सूजी एक बड़ी कटोरी में, 100 ग्राम बेसन एक छोटी कटोरी में और कुछ कटे हुए काजू और बादाम, साथ में 5 इलायचियाँ और एक छोटी कटोरी में 100 ग्राम चीनी और यहाँ पर मैंने ली है आधी कटोरी मलाई। ये फ्रेश मलाई है, इसको भी हम लेंगे। अब हमने जो यहाँ पर सूजी और बेसन लिया है, इसको हम सबसे पहले छन्नी की सहायता से हम इसको छान लेंगे। सूजी यहाँ पर हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है, देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। गैस पर और इसमें हमने जो बेसन लिया था, अब हम वो बेसन डाल देंगे और इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट नहीं करना है क्योंकि ज्यादा हाई फ्लेम रखने से ये जल जाएगा। धीमी आंच पे हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इस तरीके से हमारा सूजी गोल्डन ब्राउन होने तक हमने भूना है, उसी तरीके से हमें बेसन को भी भून लेना है। बेसन हमारा यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हमने जो सूजी को वो रोस्ट करके रखा था उसको भी हम इसमें मिला देंगे क्योंकि अब दोनों ही चीजें भून चुकी हैं अच्छे से, तो अब हमें इसको इसमें मिला देना है। डालने के बाद हम दोनों ही चीजों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। इसका अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर जो बाउल में घी लिया था, मलाई सॉरी, तो मलाई को हमें इसमें डाल देना है। मलाई को मिक्स करने से यहाँ पे हमें मलाई में जो खोए वाला पोर्शन होता है वो भी मिल जाता है और हमें घी भी मिल जाता है, तो इससे जो टेस्ट है लड्डू का वो बहुत ही बेहतरीन आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हमने दोनों ही चीजें इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने यहाँ पे मेवा कट करके रखी थी, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये यहाँ पर मेवा हमने कट करके रखी थी, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर काजू और बादाम दोनों चीजें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसको और अच्छे से चला लेंगे और चलाने के साथ में ही हमने जो 5 इलायचियाँ ली थी उनको भी कूट करके हम इसमें डाल देंगे। उसको भी कूट करके हमको इसमें डाल देना है। इलायची को भी हमने यहाँ पर कूट कर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची डालने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू से आने लगी है। अब इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो यहाँ पर चीनी रखी थी उसको भी हम पीस लेंगे और उससे पहले हम इसमें देख लेंगे ये बाइंड होने के लिए है कंसिस्टेंसी इसकी या नहीं। तो अभी इसकी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी नहीं आई है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना होगा।
थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे ताकि ये हमारा जो लड्डू का मिक्सचर है वो बाइंड कंसिस्टेंसी में आ जाए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हमें इसमें शुगर को ऐड कर देना है। अगर हम शुगर को पहले ऐड कर देते हैं मींस बिफोर ये हम मिल्क डालने से पहले अगर इसको ऐड कर देते हैं शुगर, तो ये क्या होगा, शुगर जो है हमारी मेल्ट हो जाएगी और ये पूरी तरीके से हमारा जो मिक्सचर है वो फैल जाएगा और लड्डू नहीं बनेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें दूध डाल देना है ताकि ये थोड़ा बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। और जैसे ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आता है हमको गैस की फ्लेम को क्या करना है, बंद कर देना है। अब हम गैस जो है बंद कर देंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसमें जो चीनी हमने ली है 100 ग्राम शुगर, इसको हमें पीस करके इसमें मिला देना है। तो हम पहले इसको पीस लेंगे, तब तक हमारा जो ये हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने थाली में इसको निकाल दिया है और ये हमारा पूरी तरीके से मिक्सचर ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा ड्राई सा लग रहा है। अब हम इसमें हमने जो शुगर को पीसा था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छे से बन रहे हैं, तो हम सारे लड्डुओं को बाइंड करके एक प्लेट में रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारे ही लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छे और दानेदार लड्डू ये बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।